नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में राजनीति गर्माती हुई जा रही है और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से अब एनडीए गठबंधन के तमाम दल यहां पर एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार का 10वीं बार सीएम बनने का सपना कहीं ना कहीं चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है लंबे अरसे से लोकसभा चुनाव के बाद से ही बिहार के अंदर एनडीए के तमाम दल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी बड़ी मांगे एनडीए से करते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से करते हुए नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी सीएम पद के दावेदार के तौर पर खुद को देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ वहीं चिराग पासवान भी खुद को सीएम पद का दावेदार बनाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में जीतन राम मांझी 25 सीटों की मांग कर रहे हैं। साथ ही पशुपति पारस की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में कोई सीट नहीं मिली और उसके बाद कहीं ना कहीं पशुपति पारस अकेले के दम पर चुनाव लड़ने की तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में एनडीए गठबंधन के अंदर जो फूट पड़ रही है उसका बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर क्या कुछ असर पड़ता हुआ नजर आता है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर नहीं, या फिर सीएम का चेहरा बदलता हुआ नजर आएगा, तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आश्रुति मौजूद हैं। आश्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है आश्रुति, जिस तरह से बिहार की सियासत इतनी बुरी तरह से गर्माती हुई नजर आ रही है, नीतीश कुमार के सीएम पद पर खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे, और अगर इस्तीफा नहीं भी देते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से खुद को 10वीं बार सीएम बनाते हुए नजर आ सकते हैं या फिर नहीं? देखिए मनीष, अगर बिहार की कहीं ना कहीं बात कर ली जाए तो जिन 243 सीटों पर बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इन 243 सीटों पर आने वाले समय में एनडीए आखिर कैसे सीट बांटेगा, ये एक अहम मुद्दा है, क्योंकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इसी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। आप देखें, जो हाल ही की बड़ी खबर कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि पशुपति पारस ने भी ऐलान कर दिया है कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो चिराग पासवान ने जिस हिसाब से इस बार लोकसभा चुनाव में पांचों की पांचों सीटें जीती हैं और उसके बाद बिहार में कहीं ना कहीं एक मुख्य युवा चेहरा बनकर उभरते नजर आ रहे हैं, ये बात और ये मुद्दा कहीं ना कहीं चाचा पशुपति पारस से अगर आप देखें तो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, और इस वक्त वो अपनी राजनीति नहीं लेकिन चिराग पासवान की राजनीति, और चिराग पासवान की राजनीति में जो कहीं ना कहीं एक वो जो आप देखें पूरी रणनीति चलाते बनाते नजर आ रहे हैं उसको खराब करने के प्रयास में है। इस वक्त अगर आप देखें तो बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं पशुपति पारस की ओर से आना और 243 सीटों के लिए लगातार जो जद्दोजहद इस वक्त बिहार में चल रही है, बिहार में जो राजनीतिक हलचल तेज हो रखी है, ऐसी बीच नीतीश कुमार अभी तक भी अगर आप देखें तो तमाम मुद्दों को लेकर इस वक्त अगर आप देखें तो चुप्पी साधे हुए, चाहे वो पुल का मुद्दा हो, चाहे जिस हिसाब से दिन दहाड़े नेताओं को मारने का मुद्दा हो, ये तमाम वो ऐसे मुद्दे हैं जिन अहम मुद्दों पर कहीं ना कहीं इस वक्त ध्यान देना एनडीए के लिए और बिहार में जेडीयू के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन नीतीश कुमार इन तमाम मुद्दों पर इस वक्त चुप्पी साधे हुए। सवाल नीतीश कुमार से ये है कि आखिर क्यों आप इस वक्त नहीं बोल रहे जब आपकी जनता आपसे जवाब मांगना चाहती है। लोकसभा चुनाव के दौरान आपने चुनाव प्रचार किया, लोकसभा चुनाव के दौरान आप घर घर पहुंचे, आपने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करी, लेकिन बिहार में उस वक्त ये करना जब चुनाव आपके नजदीक हैं, जब चुनाव बिहार में बेहद नजदीक हैं, तब आप ये सब आप देखें कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल पैदा करने के प्रयास कर रहे हैं, तो अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और तमाम ऐसे नेता कहीं ना कहीं गुटबाजी कर एक तरह से अगर आप देखें तो चुनाव लड़ने के ऐलान करते नजर आ रहे हैं, आखिर अब क्यों नहीं बोल रहे? और चिराग पासवान की देखिए अगर बात कहीं ना कहीं कर ली जाए तो चिराग पासवान युवा नेता है, युवा चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं। नीतीश कुमार को चुनौती देने के लिए चिराग पासवान अगर आप देखें तो इस समय एक बेहतरीन प्रतिद्वंदी के रूप में सामने भी आ सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो नीतीश कुमार परिवारवाद का मुद्दा भी कर रहे हैं, बेटे निशांत कुमार की एंट्री कराने की कोशिश कर रहे हैं, जेडीयू की कमान उनके हाथों सौंपने की कोशिश कर रहे हैं, राज्यपाल से उनका मुलाकात करना, देर शाम देर रात उनका जाना, राज्यपाल से भरी बारिश में मिलकर आना, इस्तीफा नहीं सौंपा लेकिन मुलाकात करना ही बहुत बड़ी बात है बिहार जैसी अगर आप देखें तो जो राज्य में, और इस वक्त जिस राज्य को कहीं ना कहीं हाल ही में जो विशेष राज्य की मांग कहीं ना कहीं करते आ रहे थे नीतीश कुमार, उस विशेष राज्य का दर्जा भी बिहार को नहीं मिला, ये भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें एक बड़ी नाराजगी है, और इसी एक मुद्दे पर लालू यादव और नीतीश कुमार साथ आते भी नजर आए थे, लालू यादव भी कहते नजर आए थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ना मिलना और नीतीश कुमार की नाराजगी लगातार बढ़ना, अगर आप देखें तमाम मामलों के ताल्लुकात जो है वो एक दूसरे से ही जुड़ते हैं और तार जो देखें अगर आप कहीं ना कहीं राजनीतिक तार भी एक दूसरे से जुड़ते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, तो इस
वक्त नीतीश कुमार को मुझे ऐसा लगता है अपनी राजनीति पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 9वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके थे, अब 10वीं बार बनने की तैयारी करें, ना कि इस चीज के बारे में सोचे कि कौन आखिर उनका प्रतिद्वंदी है और आखिर किन मुद्दों पर उनका ध्यान देना है। ये भी अब एक अहम मुद्दा है जिसके बारे में नीतीश कुमार को सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तब ऐसे में ये एक अहम मुद्दा है और नीतीश कुमार अगर इस बारे में सोचते नहीं है तो कहीं ना कहीं कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल तो कुर्सी अभी खतरे में ही नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान और सम्राट चौधरी कुर्सी पर दांत गड़ाए बैठे हैं और उस पर कहीं ना कहीं धावा बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार के हाथ से सीएम की कुर्सी जाना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो बिहार के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी की स्थिति वैसे काफी मजबूत है, क्योंकि नीतीश कुमार का जिस तरह से बिहार में राज्यपाल से मुलाकात करना और भरी बारिश के अंदर मुलाकात करना, ये संकेत भी देता हुआ नजर आता है कि नीतीश कुमार बी प्लान लेकर चल रहे हैं। अगर एनडीए गठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आती है, विधानसभा चुनाव से पहले माहौल खराब होता हुआ नजर आता है, तो बेशक यहाँ पर या तो आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले के दम पर भी राजनीति को साधने का प्रयास करेंगे और 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की पूरी कोशिशें करते हुए नजर आएंगे। तो आश्रुति, क्या कुछ लगता है जिस तरह से अब अगर देखा जाए तो चिराग पासवान वर्सेज नीतीश कुमार ये मुकाबला नजर आ रहा है, क्योंकि चिराग पासवान भी अपने आप को सीएम पद का दावेदार बताते हुए नजर आ रहे हैं, अब नीतीश कुमार भी खुद 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या एनडीए की दोनों ये दल जो है कहीं ना कहीं जेडीयू और एलजेपीआर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन दोनों में ही कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आएगी, और अगर इन दोनों में फूट पड़ती है सीएम पद को लेकर तो क्या लगता है कि जीतन राम मांझी भी यहां पर बड़ी मांग करते हुए नजर आ सकते हैं, क्या सीएम पद की मांग जीतन राम मांझी भी करते हुए नजर आ सकते हैं, क्या कुछ लगता है? देखिए, जीतन राम मांझी सीएम पद की मांग तो नहीं करते नजर आएंगे अभी तक की अगर आप स्थिति देखें, लेकिन जीतन राम मांझी जरूर चुनाव लड़ने के लिए सीटें मांगते नजर आएंगे। वहीं दूसरी बात, जो आपने कहा कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद की मांग करते नजर आ रहे हैं, देखिए अभी तक उन्होंने मुख्यमंत्री की गद्दी की मांग नहीं की है, मुख्यमंत्री की गद्दी के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार के लिए जो कड़वाहट है इस समय बिहार की जनता के मन में, अगर ये कड़वाहट बढ़ती गई तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के खाते में जो वोट प्रतिशत है वो खुद ब खुद आता नजर आएगा, क्योंकि चिराग पासवान युवा चेहरे हैं और वो ये बात जानते हैं कि जब युवाओं को साधने के लिए प्रयास होते हैं तो आखिर किस तरह से युवाओं का जो वोट है वो अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। इसलिए अभी तक आप देखें तो चिराग पासवान ने कोई भी ऐसा ऐलान नहीं किया है कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए कहीं ना कहीं दिलचस्पी जताते हैं या मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं या उसके लिए उम्मीदवार के तौर पर उतरेंगे या फिर कहीं ना कहीं पद की दावेदारी पेश करेंगे। ये सब कोई भी मुद्दे इन तमाम मुद्दों में से एक भी मुद्दे पर अभी तक चिराग पासवान नहीं बोलते नजर आए। लेकिन अगर आप देखें तो इस वक्त अगर नीतीश कुमार के सामने कोई कड़ा जो प्रतिद्वंदी है वो चिराग पासवान है, या फिर कहीं ना कहीं अगर वो अपने बेटे यानी निशांत कुमार को राजनीति में ले आते हैं तो चिराग पासवान का भी पत्ता मुझे लगता है यहाँ पर कटता नजर आएगा, क्योंकि जेडीयू की कमान नीतीश कुमार के बाद वो किसी ऐसे ही व्यक्ति के हाथ में सौंपना चाहेंगे जो विश्वसनीय हो, जो कहीं ना कहीं उनका विश्वसनीय आधार हो, जिसके बाद कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार जेडीयू छोड़ भी देते हैं तो चाहे निशांत कुमार के हाथी कमान क्यों ना सौंपी जाए, लेकिन नीतीश कुमार बाहर बैठकर भी फिर पूरी तरह से अपनी पार्टी की कमान संभालते नजर आएंगे। अपने बेटे निशांत कुमार को अगर आप देखें तो तमाम निर्देश देते नजर आएंगे कि इस तरह से पार्टी चलाइए, ये सही तरीका है या फिर ये सही तरीका नहीं है। लेकिन अगर चिराग पासवान सत्ता में आते हैं, अगर चिराग पासवान बिहार की सत्ता संभालते हैं, निश्चित तौर पर आप देखें कि कहीं ना कहीं जो मोदी लहर है वो बिहार में भी आने का प्रयास करेगी, क्योंकि चिराग पासवान अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी के हनुमान जी कहलाया करते हैं, वो जिस हिसाब से उनकी जो अगर आप देखें जो उनकी बातचीत है, जिस हिसाब से उनका एक रिश्ता है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, वो कहीं ना कहीं किसी से भी छिपा नहीं है। तो चिराग पासवान अगर बिहार में इस बार मुख्यमंत्री के पद पर कहीं ना कहीं अगर उनका चेहरा देखा जाता है तो मुझे लगता है एनडीए में फिर कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है वो आने वाले समय में तेज हो सकती है और सेंधमारी के प्रयास जो है वो तमाम विपक्षी दल करने का जो प्रयास है वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तब ऐसे में यहाँ पर एनडीए के गठबंधन के दल जिस तरह से बिहार में मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तो चिराग पासवान की जो यहाँ पर मांग है वो कहीं ना कहीं अगर पूरी हो जाती है तो नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति में से खेल खत्म होता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखा जाए तो नीतीश कुमार जिस तरह से राज्यपाल से मुलाकात करते हैं और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उनके पास प्लान बी के तौर पर आरजेडी के साथ गठबंधन का भी यहाँ पर एक ऑप्शन है, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ ऑप्शन बहुत हैं। अगर एनडीए के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ नजर आती है तो बेशक दूसरी तरफ पाला बदल कर नीतीश कुमार यहाँ पर सरकार बनाते हुए नजर आएंगे, लेकिन देखा जाए तो आरजेडी की तरफ से यहाँ पर लालू प्रसाद यादव यहाँ पर तेजस्वी यादव को सीएम पद के तौर पर आगे करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा, अगर आरजेडी के साथ नीतीश कुमार गठबंधन करते हैं तो क्या तेजस्वी यादव सीएम बनते हुए नजर आएंगे नीतीश कुमार? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9।